निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। गत एक वर्ष के कांग्रेस शासन ने हर वर्ग के साथ छलावा किया है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति उदासीनता बरती है और लोकतंत्र का खुलेआम मजाक उड़ाया है। अभी उन्होंने अलोकतांत्रिक भेदभावपूर्ण पंचायतों का पुनर्गठन कर संवैधानिक प्रावधानों का मखौल उड़ाया है। यहाँ तक कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर 2014 में पंचायतों का पुनर्गठन हमारी सरकार ने किया, उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं और फिर ये पुनर्गठन जिस अपना शासन लाने के लिए शुद्ध रूप से सत्ता का केंद्रीकरण और कांग्रेसीकरण प्रशासन का करने का प्रयत्न किया है, उसमें प्रांत के 12 जिलों में एक भी पंचायत समिति का गठन नहीं किया और दौसा जैसे छोटे जिले के अंदर 5 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। इस प्रकार स्पष्ट लगता है कि किसी भी हथकंडे से केवल जिला परिषद के और पंचायतों के चुनाव जीतने की इनकी मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। हर वर्ग के साथ छलावा में इन्होंने किसानों के साथ छलावा किया। पूरे राजस्थान के अंदर 59 लाख किसानों का 9,976 करोड़ कर्जा माफ होना था, बहुत ही इन्होंने कुछ हज़ारों में ही करके अपनी इतिश्री मान ली। युवकों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, यहाँ तक कि फसली ऋण से पहली बार जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे 27 लाख किसान इससे वंचित रहे। और जनता को कहा था अपने घोषणा पत्र में कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने हाल ही में इस 4 दिसंबर को 9 पैसे प्रति यूनिट जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ा करके गरीब ग्रामीण जनता के साथ निश्चित रूप से उन्होंने उपभोक्ताओं का एक तरह से उनको परेशान किया है, उनके जेब पे डाका डाला है। और किसान हितैषी जो हमने निर्णय किया था 10 हॉर्स पावर के कनेक्शन पर 833 रुपये हम अनुदान देंगे, उसको इन्होंने बंद किया है। और राज्य वित्त आयोग से अभी तक किसी पंचायत को 1 पैसा भी इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। यहाँ तक 1840 करोड़ जो केंद्र से आया है उसको भी सीधे पंचायतों को जाना था, वह भी नहीं हुआ। इवन न्याय आपके द्वार योजना इन्होंने बंद कर दी, जिसे हमने 1,42,00,000 राजस्व प्रकरण का निस्तारण किया था। इस प्रकार से उन्होंने गोलवर्कर योजना बंद की, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हालत पूरी खस्ता हो गई है, यहाँ तक अस्पतालों के अंदर भी हाल बेहाल है। आज अस्पताल बीमार हैं और शिक्षा बेहाल है, इस प्रकार की स्थिति बनी है। और प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान अपराध के केंद्र का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ तक के आपके भ्रष्टतम राज्यों में से आया है। और वाहवाही केवल जो लूट रहे हैं वो केंद्र के पैसे से लूट रहे हैं, उसका भी नीचे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। जनता तो बीमार और मर रही है, लेकिन अब तो पक्षी भी इनके राज में मरने लगे हैं। एक क्रेडिट सोसाइटी के अंदर भी आज लाखों लोगों करोड़ों लोगों का पैसा डूबा हुआ है, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं लगती। बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। पिछले एक साल के अंदर 5,194 बलात्कार के और दुष्कर्मों की घटनाएं हुई हैं। और ये सरकार एक बेशर्म होकर के केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी केवल दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं कि कैसे मैं उप मुख्यमंत्री को निपटाऊं, कैसे अपनी सत्ता बनाए रखूं, लेकिन राजस्थान की जनता बेहाल है। इस पंचायत राज चुनाव में निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी और इनका हम सूपड़ा साफ करेंगे।